एक सेकंड। मेरा नाम शिव कुमार है और मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इस समय सरकार काम कर रही है वो टोटली दलित विरोधी है, SST विरोधी है और जो जितने सरमाएदार हैं, उद्योगपति हैं, उनके लिए वो काम कर रही है। ये आपको स्पष्ट होगा क्योंकि जितने भी अभी ठेके मिल रहे हैं अडानी और अंबानी को मिल रहे हैं, जितने करोड़पति हैं, उद्योगपति हैं, वो देश छोड़ के जा चुके हैं। आपको शायद याद होगा इस समय तक करीब करीब 700 लोग जो हैं जिन्होंने बैंकों से पैसा लिया था वो पैसा लेकर के वो भाग चुके हैं। अब उसकी अवज में आप सब लोग, आप भी हैं उसमें, मैं भी शामिल हूँ, आप देखेंगे आप पैसा जमा करने जा रहे हैं तो आपके पैसे काटने जा रहे हैं, आप पैसे निकालने जा रहे हैं तो पैसे काटने जा रहे हैं, क्योंकि उनको जो पैसा जो आपकी जेबों से देना है, टैक्स की जो मात्रा पहले 14.5% थी UPA के समय में, अब वो बढ़ा करके मिनिमम 18% हो गई, तो सरकार टैक्स पर टैक्स लिए जा रही है, नौकरियों से आपको बेदखल कर दिया जा रहा है। जितने लोग थे अभी तक वो सारे के सारे क्लास 4 क्लर्क और क्लास 3 की जो सर्विसेज है उनके अंदर अपॉइंटेड होते थे, अब सरकार ने जो क्लास 3 की थी उनको ठेके पे देना शुरू कर दिया है, जो क्लास 4 थी उनको खत्म कर दिया है। तो अब इसी से लोगों ने जैसे तैसे करके अपने बच्चों को पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, आज उनके लिए नौकरी नहीं है। एक इंजीनियर को 10,000 रुपए की नौकरी पर जाना पड़ रहा है और सुबह से शाम तक, ये क्या हो रहा है? अच्छा एक छोटा सवाल है आप, जिस तरीके से अभी आपने बोला है कि BJP सरकार टैक्स के बारे में कर रही है, जिस तरीके से अभी एक छोटा गरीब आदमी जो 500 रुपए 200 रुपए पर डे कमा रहा है और एक छोटे से अकाउंट में अकाउंट खोलने जाता है, तो उसमें हमने ये सुना हुआ है और आपको भी पता चला होगा कि 2,000 रुपए होने चाहिए। अगर उस गरीब इंसान ने 1,000 रुपए उसमें छोड़ दिए और 2,000 रुपए नहीं है तो वो 1,000 रुपए काट लिए जाते हैं, ऐसा क्यों? नहीं देखिए, यही एक वजह है कि जो 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 बैंकों के नियम है वो बदले जा रहे हैं। उससे क्या है कि जो आदमी छोटी छोटी अपनी बचतें करता था, पहले आप 100 रुपये महीना बचत करते थे तो उस बचत से आप साल भर में 1,200 रुपये कमा लेते थे या 1,200 रुपये आपकी बचत हो जाती थी, अगली बार वो 2,500 रुपये 3,000 रुपये तक वो पहुँचाते थे। तो इस तरह छोटी छोटी बचतें करके वो अपने आप को आगे बढ़ाते थे, अपने आप को वो बढ़ाते थे। तो अब ये सारा जो प्रोविजन है वो सारा का सारा जो है वो सरकार ने खत्म कर दिया है। क्यों? अब अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है वो धीरे धीरे करके, मुझे याद है मेरा देना बैंक में अकाउंट था, 1,500 रुपये उसमें पड़े थे मिनिमम बैलेंस के नाम पे, जो 2,000 आप बता रहे हैं, जब मैं 6 महीने बाद गया तो पता चला उसमें 600 रुपये बचे हुए हैं। तो अब ये जो 1,400 रुपये गए वो कहाँ गए, किस खाते में गए, किस लिए गए? आप 10,000 रुपये रखिए, आपको 600 रुपये पूरे साल के मिल रहे हैं, ये बैंकों का क्या हो रहा है, निजीकरण दोबारा कर दिया गया? जिस तरीके से बैंकों में इंसान क्यों डालता है पैसे, इसलिए डालता है कि घर में रखने से काफी चीजें हो जाती हैं। तो इंसान सोचता है कि मैं बैंक में वो पैसे डाल दूं, चाहे 1,000 हो, चाहे 2,000 हो, चाहे लाख हो, चाहे करोड़ हो। देखिए गरीब आदमी के पास लाखों रुपए नहीं है कि वो बैंक में रखता रहे, गरीब आदमी के पास 1,000-2,000 रुपए कमाने के हैं, वो सोचता है अगर मैं झोपड़ी पट्टी में रखूंगा तो क्या होगा। तो जिस तरीके से बैंक में वो रखता है और 4 दिन बाद बैंक खत्म कर देती है उसको, इस चीज पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए मोदी सरकार ने आते ही जो ये खाता खोलने की बात की, खाता खोलने का मतलब ये था कि आप अपना खाता खोलेंगे, जो भी आपकी बचतें होंगे वो वहां जाएंगी और अगर सरकार उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करती थी तो वो उसको मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके नाम से 1 रुपये महीना काटा जा रहा है। अब 1 रुपये महीने में अगर 5 करोड़ खाते हैं तो आप समझ लीजिए कि 5 करोड़ जो पैसे हैं वो सरमाएदारों के उद्योगपतियों के खाते में चले गए। लेकिन आप उनसे पूछिए कि जो इंश्योरेंस हुआ है वो किस कंपनी का हुआ है, बैंक से आप जाके पूछिए, बैंक वाले आपको नहीं उत्तर देंगे कि कौन सी कंपनी का आपको इंश्योरेंस मिलेगा जो 1 रुपये में आपको या 12 रुपये में 2 लाख का इंश्योरेंस किया गया है। जिस तरीके से आपका आज धरना प्रदर्शन हो रखा है और विशाल रैली का आयोजन किया गया और कई जगह भी हो रहा है, तो इस तरीके से अगर सरकार अभी भी आपकी मांगों को पूरा नहीं करती, देखिए सरकार जो है ये सोच रही है कि जो अभी इन्होंने एक झूठा जो वो किया है पाकिस्तान के ऊपर जाकर के जो अटैक दिखा रहे हैं, ये उसका कोई सबूत अभी तक नहीं है, पाकिस्तान ने उसको नकार दिया, इंटरनेशनल जो जितनी भी एजेंसीज है न्यूज उन्होंने नकार दिया, इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया। BJP के अपने अहलूवालिया जी ने कल कहा कि हमने किसी को मारने के लिए नहीं किया, डराने के लिए किया, तो ये क्या है कि देश में एक उन्माद पैदा किया है, युद्ध उन्माद, और ये मोदी जी जानबूझ के कर रहे हैं। क्योंकि IB की अपनी रिपोर्ट ये थी जो मुझे पता है कि 130 से 150 सीटों से ऊपर वो नहीं जा रहे। आपने देखा होगा मोदी जी का हर सभा में चेहरा उतरा हुआ था, अभी 4 दिन से उनका चेहरा खिला हुआ, क्यों? क्योंकि वो युद्ध उन्माद पैदा करने में सफल हो गए। जिस तरीके से अभी पाकिस्तान से कमांडर लौट के आए, हाँ जी आप जानते होंगे काफी खबरें चल रही हैं उनकी, तो कमांडर लौट के आए, जैसे पाकिस्तान में वो कमांडर इतने रहे हैं,
पाकिस्तान ने ऐसे क्या था जो उन्हें वापस कर दिया कमांडर? देखिए इस समय एक इंटरनेशनल प्रेशर है और इंटरनेशनल प्रेशर होने की वजह से ये सब किया गया, क्योंकि आपने देखा होगा कि ट्रंप ने जो एक वियतनाम से शायद उन्होंने एक वो दिया था, न्यूज बाइट दी थी कि अभी आपको खबर मिलने वाली है। इसका मतलब जो बैकडोर से जो अमेरिका है उसने अपनी भूमिका निभाई, क्योंकि मोदी जी ने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि आप मेरी इज्जत बचाइए, और इसलिए अमेरिका ने मध्यस्थता करके उसको छुड़वाया है। और इमरान को भी आज अमेरिका ने आपके जो जितने भी सामान थे जो यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे उनकी ड्यूटी खत्म कर दी गई, ड्यूटी बढ़ा दी गई उनकी। दूसरी बात उन्होंने एक और किया है कि आपके जो एक और फैसला उन्होंने लिया है, सामान की ड्यूटी बढ़ गई है, प्लस जो आप जो लोन लेते थे उस लोन को आपको अभी तक वो उन्होंने किया हुआ था कि ये आप एग्जम्प्टेड हो गए इससे, लेकिन अब वो खत्म कर दिया, आज ही से वो उन्होंने खत्म किया। इसका मतलब मोदी जी ने जो उनसे जो फेवर लिया है उसकी कीमत अब भारत के हर देशवासी को चुकानी पड़ेगी। छोटा सवाल आपसे, जिस तरीके से अभी हमारे 42 जवान खत्म हुए हैं, 42 जवान के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया, हमारे 42 जवान खत्म हुए हैं, लेकिन अभी मोदी जी ने जिस तरीके से सरकार को मतलब लोगों को दिखाने के लिए आतंकवादियों के जो वो बने हुए थे, झोपड़पट्टी बने हुए थे, उन पे हमला किया जी। तो उसमें आप कैसे कह सकते हैं, पब्लिक कैसे कह सकती है कि उसमें लाखों आतंकवादी खत्म हो चुके हैं? देखिए अगर आप हवाई जहाज में बैठे हैं और वहां से आपने कहीं भी फायर किया तो आप सिर्फ एक बिल्डिंग को गिरता हुआ दिखा सकते हैं, उसमें कितने आदमी थे ये कभी वो नहीं लगा सकते। और दूसरी बात, जो इंटरनेशनल बीबीसी की न्यूज है वो ये कह रही है कि वहां कोई भी हताहत नहीं हुआ, तो इसका मतलब वास्तव में कुछ नहीं हुआ। तो सिर्फ मनुवादी जो लोग हैं, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, सिर्फ वो ये चाहते हैं, जो कि 15% है, और वो इन बाकी कुछ जो अपने आप को अपर समझते हैं नहीं, ऐसे कई जातियां हैं जो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं क्योंकि धन से, संपत्ति से, जमीन से वो सक्षम है। तो लेकिन जब बात आती है, जैसे अगर जाट कम्युनिटी की बात करें, राजस्थान में जाइए उनके लड़के को आप गोली पे बैठाइए, राजपूत गोली मार देगा, तो इसका मतलब वो लोग जो है वो अपर कास्ट में नहीं गिने जाते। हाँ, जब उनका दलित उत्पीड़न करना हो तो उनको आगे कर दिया जाता है, उनको भड़काया जाता है ताकि वो दलितों के साथ अन्याय कर सके, और यही देश में चल रहा है। एक छोटा सवाल, जिस तरीके से अभी हमारे 42 जवान खत्म हुए हैं और कम से कम 3 से 4 दिन हमें ऐसा लगा था कि देश में शोक मनाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद अभी आप ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरीके से हमारे 42 जवान पहले से ही नहीं मन रहा था? क्योंकि देखिए आप खुद समझते हैं, आप दिल्ली में भी विचरण करते हैं, कहीं भी विचरण करते हैं, कि जब 2500 जवान जा रहे हो वहाँ पर एक सुई भी अंदर नहीं जा सकती, ये हमारा बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है, और मुझे लगता है हो सकता है ये जानबूझ के भी कराया गया सिक्योरिटी फेलियर, क्योंकि इतनी बड़े सीआरपीएफ काफिले में 300 किलो आरटीएक्स घुस गया, कैसे चला गया बताइए मुझे, इस पर सवाल खड़े होते हैं। ये फेलियर को रोकने के लिए ये उन युद्धोन्माद बना दिया गया ताकि लोगों में एक तो राष्ट्रवाद, ये उग्र राष्ट्रवाद, घोर राष्ट्रवाद की जो भावना है ये फैलाई जा रही है, ताकि जो सरकार अपनी फेलियर को बचा सके। सरकार ने एक ही झटके में सारे मुद्दे, बेरोजगारी, टैक्स और जितनी भी चीजें थी, बैंकों का जो सिस्टम उन्होंने तबाह किया है, वो सारे मुद्दे साफ हो गए। कहाँ गए वो मुद्दे? आज कोई उन मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है? आप कह रहे पकौड़े बेचिए, आप एक इंजीनियर बने हैं, आप एक रिपोर्टर हैं, कल आपको नौकरी नहीं मिलती, क्या आप पकौड़े तलेंगे? और अगर सारे ही पकौड़े तलेंगे तो खाएगा कौन, मुझे बताइए। ये बात ठीक है कि हमें एंटरप्रेन्योर तैयार करने पड़ेंगे, लेकिन आज तक किसी भी देश की किसी भी सरकार ने एंटरप्रेन्योरशिप तैयार किया? अगर देश में आज हम जब सोने की चिड़िया कहलाते थे, आपको पता होगा कि हर घर में एक एंटरप्रेन्योर था, हर घर में एक व्यक्ति लोहे का काम करता था, एक आदमी कपड़े का काम करता था, एक आदमी सुनार का काम करता था, एक आदमी खेती का काम करता था, तो जब ये लोग काम कर रहे थे तो आप सोने की चिड़िया थे। आज उनसे वो सारी चीजें खत्म कर ली इन्होंने, और तो आज जब आदमी को नौकरी के लिए बाहर घूमना पड़ रहा है तो वो कहाँ से लाएगा नौकरी, उसके पास है नहीं, तो वो धीरे धीरे गरीब होता चला गया, देश गरीब होता चला गया। तो ये तो एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। चलिए ठीक है।